नमस्कार, मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेह लोक कहानियों एवं कथाओं के महासागर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी मेरी जुबानी। कहानी का शीर्षक है तनाव। एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर का कार्य किया करता था। बहुत दिनों के मेहनत करने के पश्चात उसने शहर से थोड़ी दूर पर अपना एक आलीशान मकान बनाया। शहर से थोड़ी दूर होने की वजह से उसका मकान एकदम अलग सा दिखता था, क्योंकि आसपास मकानें नहीं थी और मकान बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देखकर चोरों के मन में लालच आया और कहा, और उन्होंने सोचा कि इतना आलीशान सा बंगला है, जरूर यहाँ पे काफी मालपानी हो सकता है। तो उन्होंने योजना बनाई वहां पर चोरी करने की। अब उन्होंने मकान के बाहर निगरानी शुरू कर दी ताकि वे एक अच्छी सी योजना बना सके चोरी करने की। वो घर की निगरानी करते समय उनकी नजर जिस दिन उन्होंने शुरू किया उस दिन ही उनकी नजर मकान मालिक पर पड़ी, जो ऑफिस से आने के बाद सीधा अपने मकान अपने बागान में चला जाता है और वहां आम के पेड़ के पास कुछ खोद कर डाल रहा होता है। जो चोर थे वो चौकन्ने से हो जाते हैं, बड़े ध्यान से उस प्रक्रिया को देखने लगते हैं कि आखिरकार वह व्यक्ति वह आदमी उसमें क्या छुपा रहा है। कुछ बहुत मतलब कीमती चीज ही छुपा रहा होगा, है ना। लेकिन वह चोर ठीक से देख नहीं पाते कि वह आदमी क्या छुपा रहा है। रात भर बड़े निगरानी करने के पश्चात जब लाइटें सारे उस मकान की बंद हो जाती है तो वो चोर वहां जाते हैं और कुछ खोदने लगते हैं आम के पेड़ के पास कि यहाँ तो कुछ उस आदमी ने छुपा कर रखा है कुछ बहुमूल्य। बहुत खोजने के पश्चात भी वहां पर कुछ नहीं मिलता। चोर निराश हो जाते हैं और अगले दिन फिर से वह उस घर की निगरानी करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर शाम को वह आदमी अर्थात मकान मालिक आता है और बैग से कुछ निकालकर उस आम के पेड़ पर कुछ खोद कर डाल रहा होता है। चोर फिर रात की प्रतीक्षा करने लगते हैं, फिर लाइटें बंद होती हैं, फिर उस पेड़ के पास जाते हैं, वो खोद कर देखते हैं लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। वह निराश हो जाते हैं। अगले दिन फिर से वही प्रक्रिया होती है। तो दो तीन दिन लगातार ऐसा होने पर चोर थोड़े बौखला से जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, वो व्यक्ति क्या ऐसी चीज डालता है जो काफी बहुमूल्य हो सकता है, है ना, और वो हमेशा आकर ऑफिस से आकर सीधा वहीं जाता है। दो तीन दिन लगातार ऐसी प्रक्रिया चलती रही लेकिन चोरों को कुछ भी ना मिला। एक दिन वह बहुत निराश होकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मकान मालिक से मिला जाए और पूछा जाए कि वो कहाँ छुपाता है और हमें मिल नहीं पाता, क्या ऐसी चीज छुपा हुआ है जो हम खोजने पर भी मतलब अचानक से ऐसी कोई चीज है जो दिख नहीं रही है, कुछ अलौकिक क्या चीज है। वो बहुत आश्चर्य में पड़ते हैं और मकान मालिक से मिलने की योजना बनाते हैं। रविवार के दिन वो मकान मालिक से मिलने जाते हैं और मकान मालिक बहुत ही विनम्रता के साथ उनसे पेश आते हैं, उन्हें बिठाते हैं। थोड़ी हिचक के बाद उनमें से वो चोरों में से एक चोर कहता है कि हम बहुत दिनों से आपके घर की निगरानी कर रहे हैं और हम लोगों ने चोरी करने की योजना बनाई थी, मगर हम अब तक इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि आप आम के पेड़ के पास क्या चीज छुपा कर रखते हैं। मैनेजर ने हंसकर जवाब दिया, ऐसी कोई तो चीज नहीं है। लेकिन उसके कहते ही फिर से सारे चोर एक स्वर में बोले कि नहीं, हम लोगों ने ये काफी दिनों तक ऐसा होते हुए देखा है, तो आप हमसे मत छुपाइए, आप कौन सी चीज इसमें छुपा रहे हैं जो हमें मिलती नहीं, हम खोज नहीं पाते जिन्हें। तो मैनेजर थोड़ा गंभीर होकर कहा कि मैं जिस जगह पर काम करता हूं वहां बहुत तनाव होता है, बहुत टेंशन होते हैं, हमें हर दिन एक टारगेट मिलता है जिसे हमें अचीव करना पड़ता है, कई बार इस चीज को अचीव करने में बहुत सारी परेशानियां दिक्कतें आती हैं, कई बार हमें कस्टमर से भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो ये सारी जब चीजें पूरे दिन भर में हो रही होती हैं और जब मैं थककर अपने घर वापस जाता था तो बहुत सारा तनाव लेकर जाता था, बहुत सारे टेंशन लेकर जाता था, जिससे मेरी जो फैमिली लाइफ है बहुत अफेक्ट कर रही थी, बच्चे भी उस चीज से मेरे चिड़चिड़ेपन से उस तनाव से दुखी रह रहे थे, पत्नी भी कुछ खासी खुश नहीं नजर आती थी।
फिर मैंने निश्चय किया कि मैं अपने तनाव को अपने घर के बाहर ही छोड़कर आऊंगा और रोज मैं आम के पेड़ के पास जाता हूँ और अपने तनाव को जो बैग में भर कर लाता हूँ उसे खाली करने की कोशिश करता हूँ और सारे तनाव को वहां दबाकर फिर मैं घर में जाता हूँ ताकि मैं अपना एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकूं, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं, अपनी पत्नी को हंसता मुस्कुराता हुआ देख सकूं। और फिर सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो वो तनाव जब मैं लेने जाता हूँ तो वो आधा हो चुका होता है। फिर उस तनाव को बैग में भरकर और मैं फिर ऑफिस जाता हूँ, वहां से आकर फिर तनाव को डाल देता हूँ और जब तनाव को निकालता हूँ तो वो आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी होती है। इससे मेरे घर का जो माहौल है ना वो बहुत हेल्दी और बहुत प्रेम वाला बना रहता है। चोर को उनकी बात समझ में आ गई, चोरी करके तो उन्हें नहीं मिला कुछ, लेकिन जीवन में एक सीख जरूर मिली कि हमारे जो ऑफिस में, हमारे जो कार्य क्षेत्र में हमें जो तनाव मिलता है, जो टेंशन मिलता है, कई बार चिड़चिड़ापन मिलता है, उसको जब हम अपने घर में आते हैं तो हमें उसे बाहर रख कर ही आना चाहिए ताकि अपने घर में हम बहुत अच्छे से अपने अपनों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाए, जिसके फलस्वरूप जब नेक्स्ट सुबह आती है ना, तो वो तनाव का बोझ आधा से भी कम हो चुका होता है और जिसको मैंने अपने जीवन की कुंजी बना लिया है। दोस्तों, हम भी अगर ऐसा करें अपने जीवन में तो शायद हमारा जीवन बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन फर्क तो जरूर पड़ेगा, है ना, ताकि हम अपने टेंशन्स को अपने घर के बाहर रख सके और अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। इस छोटे से मैसेज के साथ मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी से विदा लेती हूँ, इस भरोसे के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।